हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप, आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस एनसीईआरटी बैच में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी बैच के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक की जो भी इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सिविल सर्विस की परीक्षा यूपीएससी की दे रहे हो, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम की आप तैयारी करते हो जहां पर जनरल स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर जीएस से प्रश्न आते हैं, तो एक बात को समझिएगा। देखिए, जीएस को पढ़ने के लिए पूरे इंडिया में सबसे अच्छा सोर्स पता है क्या है? एनसीईआरटी है। हम लोगों ने एनसीईआरटी की महिमा को, एनसीईआरटी की वैल्यू कभी समझा ही नहीं। हम लोगों ने किया क्या, क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाई तो किया नहीं, ठीक है। और जब 12 से निकलने के बाद हमको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना पड़ा तो हमने कहा भाई मुझे जीएस तो आता ही नहीं है, मैं पढ़ाई कहां से करूं, मैंने तो कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई नहीं है, मैंने तो कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ाई नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो दिक्कत यह है कि भाई जब आपको पढ़ना था क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, जब आपको एनसीईआरटी पढ़नी थी उस टाइम पे तो आपने पढ़ाई की नहीं, और अब जब पढ़ना पड़ा तो आपको मन करता नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आप सोचते हो भाई क्लास 6 की बुक में आज क्यों पढूं, क्लास 6 में तो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, वो बच्चों की ज्योग्राफी होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप उस क्लास की ज्योग्राफी को आज पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल लगेगा। तो इस चक्कर में होता क्या है कि हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक दो बुक को तो पढ़ते हैं, जो पहली बुक होती है एनसीईआरटी की, क्लास 6 का माने हमने पॉलिटी उठाया, हमने पॉलिटी पढ़ा, हमने देखा है बहुत ईजी है, इतना ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमने उठा करके उसको रख दिया और उसके बाद हमने एनसीईआरटी को भी पढ़ा ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एनसीईआरटी पढ़ने की जो बात है आप लोग समझिएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। जो भी एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, अगर आपका टारगेट 2024, अगर आपका टारगेट 2025 है, तो आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का भरपूर समय यहां पर है। आप लोग एनसीईआरटी से बेसिक तौर पर स्टार्ट करिए, दुनिया को कहने दीजिए कि नहीं भाई फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाए, कहने दीजिए। आप कहें कि मैं 2 महीने खुद से फाउंडेशन बैच कर लूंगा, मैं प्री फाउंडेशन बैच की तैयारी कर लूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका फाउंडेशन बैच कर लूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। अभी तक हमने एनसीईआरटी बैच के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। यहां जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है भारतीय कला का परिचय, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट। देखिए दरअसल दिक्कत क्या है ना, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें चीजों को याद बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, और इस चक्कर में एस्पिरेंट क्या करते हैं, इस चीजों को पढ़ते ही नहीं कभी और इससे हमेशा दूर भागते चलते हैं। सर आर्ट एंड कल्चर का ये प्रश्न आया तो हमको समझ में ही नहीं आया, ये प्रश्न तो सर एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे सर जो 2022 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, वो लुसेंट की किसी बुक से आया था, अब हम लुसेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आर्ट एंड कल्चर समझने का चीज है। जैसे जब हमने इकोनॉमिक्स की पूरी एनसीईआरटी की क्लास किया, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बैच में 47 लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है, मैंने वहां पर पढ़ाया क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक थी इकोनॉमिक्स की, वो सारी वहां पर पढ़ाई गई है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया। ये रिव्यू तो मैंने आप लोगों का ही देखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आप लोगों के जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुए वो फीडबैक था कि यहां सर इकोनॉमिक्स क्लास बहुत शानदार रही। हम लोग आज जिस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर का। दरअसल इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं फाइन आर्ट्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखता हूं, इसको कहा जाता है फाइन आर्ट्स, ठीक है। फाइन आर्ट्स मतलब हिंदी में क्या होता है, इसको ललित कला कहते हैं, ठीक है, ये ललित वो मिर्जापुर वाला ललित नहीं, ध्यान रखना, ललित कला इसको कहा जाता है, फाइन आर्ट्स कहा जाता है। और इस फाइन आर्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग क्लास 11th की एक बुक है भारतीय कला का परिचय एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, और एक पार्ट 2 है क्लास 12th की बुक में। तो ये दो बुक हम लोग को यहां पर पूरी पढ़नी है, इन दोनों बुक में मिलाकर ये करीब 16 चैप्टर यहां पर दिए गए हैं, 8 चैप्टर आपके पहले पार्ट में, 8 चैप्टर आपके सेकंड पार्ट में। तो हम लोग इन 16 चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग यहां पर होनी चाहिए, एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हो कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए किस रिसोर्स को हम फॉलो करें। सबसे बेसिक रिसोर्स आपका है एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को हम जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में आप देखना कि यहां पर जो भी चीजें, जो जो टॉपिक यहां पर डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल्ड में डिस्कस है और वो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेंस में जो प्रश्न आता है ना, मानो मेंस में प्रश्न आया कि पैलियोलिथिक जो पीरियड था उस टाइम पे जो रॉकेट पेंटिंग्स डिजाइन की जा रही थी उनकी थीम पर चर्चा करिए, अब वो उसका आपको आंसर इसी बुक में मिलेगा। वो थीम जो बनाया गया, वो थीम क्यों बनाया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दो तीन बातें समझिएगा, जब भी हम किसी पेंटिंग को पढ़ते हैं तो पेंटिंग में हमको दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन से पॉइंट ध्यान में रखने भाई, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखो कि जो पेंटिंग है, जिस पेंटिंग यहां पर बात की जा रही है, वो पेंटिंग उसकी थीम क्या है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास का स्टार्टिंग यहां से हो चुका है, बिल्कुल परेशान मत होना, क्लास का स्टार्टिंग यहां से हो चुका है, समझना। देखो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, कि मानो पूछा कि पैलियोलिथिक पीरियड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्राइंग्स बनाए गए, ठीक है, जो पेंटिंग्स डिजाइन किए गए, उन पेंटिंग्स का मतलब विशेषताएं क्या थी, ठीक है, उन्हें कैरेक्टरिस्टिक पर आपसे प्रश्न पूछा गया, आप सबसे पहला पॉइंट जो जिक्र करोगे वो करोगे उसकी थीम पर,
इसकी थीम क्या थी। जैसे मानो अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो उस टाइम में जो डिजाइन बनाए जा रहे थे वो कैसे डिजाइन रहे होंगे। आज आप अगर अपने घर में जो पेंटिंग्स लगा दो, पेंटिंग्स कैसी होती है एक बार समझने का प्रयास करना। मानो आज से 2000 वर्ष बाद, आज से 3000 वर्ष बाद क्या होता है कि इस पूरा ये देश समाप्त हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है और यहां पर एक नया सब चीजें उत्पन्न हो रही, नए कंट्रीज यहां पर डेवलप हो रहे हैं। 3000 साल बाद की आप एक घटना की बात करो। अब जब वहां के जो पुरातत्वविद होंगे, वहां के जो हिस्टोरियन जो होंगे, जो इतिहास का विश्लेषण कर रहे होंगे, वो जब आपके घर का उत्खनन करेंगे, घर का हटा करके एक्सकवेशन करके चीजों को रिसर्च करेंगे, तो वो क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि हाँ भाई, इन्होंने अपनी दीवार पर एक पेंटिंग लगाया हुआ था, उस पेंटिंग में कोई सीनरी था। तो अब ये सोचेंगे कि ये लोग किन चीजों को ड्रॉइंग करते थे? उन चीजों को ड्रॉइंग करते थे जो कि नेचर की चीज थी, प्रकृति की चीजों को ड्रॉइंग करते थे, जो कि इनको खुशी देती थी, इनको अच्छी बातें फील कराती थी। आपने देखा कि नहीं भाई, कोई हीरोइन की यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, तो लोग अब भाई 3000 वर्ष बाद तो किसको क्या पता है कि ये कैटरीना कैफ की दीपिका पादुकोण है। वो तो सोचे कि नहीं, कोई देवी रही होंगी, उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी। एक नॉर्मल आइडिया तो ये लगेगा ना। तो ये बातें होती है, हम लोग भी जब आज इतिहास की स्टडी करते हैं, आज से 3000 वर्ष पहले, आज से 10000 वर्ष पहले जो चीजें हुई थी उनकी जब स्टडी करते हैं, तो हमको जो चीजें मिलती हैं, जो चीजें हमको प्राप्त होती है ना, उन प्राप्त हुई चीजों के आधार पर हम एक एनालिसिस करते हैं, हम सोचते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं कि अच्छा भाई, इसने यहां पर जानवर बनाया इस ड्रॉइंग में, तो जानवर क्यों बनाया होगा? क्योंकि उस टाइम पर मनुष्यों के लिए कौन इंपॉर्टेंट था? जानवर। क्योंकि मनुष्य क्या था? एक हंटर था, वो हंटिंग का काम करता, वो आखेटक का काम करता था। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने वहां पर जानवर बनाया होगा, कि उसकी लाइफ स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर कोई डांस का नृत्य है, डांस का कोई डायग्राम बना हुआ है, क्यों बनाया गया होगा? हो सकता है कि जब उन्होंने जानवर को मार लिया होगा, तो जानवर को मारने के पश्चात वो बहुत खुशियां मना रहे होंगे, तो उन्होंने एक डांस किया होगा, तो उस डांस के चित्र को उन्होंने वहां पर ड्रॉ कर दिया होगा। या फिर हो सकता है कोई बहुत रिलीजियस एक्टिविटी हो रही होगी, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होगा। अब कहोगे सर, उस टाइम धर्म था क्या? देखो, धर्म तब से है इस दुनिया में जब से डर लोगों के मन में है। धर्म का बहुत सिंपल लॉजिक है, जब से लोगों के मन में फियर है, डर है, तब से धर्म की उत्पत्ति वहां पर हो गई है। धर्म ने उन साइंटिफिक चीजों को एक्सप्लेन करने का काम किया जिनको हम उस टाइम पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। बात समझना, उस टाइम मनुष्य किससे डरता था? जानवरों से। भाई, जानवर हिंसक जानवर है, मनुष्य गुफा में रह रहा है तो संभव कोई वहां पर अटैक कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर धार्मिक आयोजन भी होते होंगे, वहां पर कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट भी होते होंगे, जैसे मानो किसी की शादी है, मानो कोई बच्चा हुआ, तो उन इवेंट्स पर क्या करते होंगे, वो लोग डांस करते होंगे, खुशियां मनाते होंगे, तो उन सब चीजों को ये लोग ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहला काम किसी भी पेंटिंग को पढ़ते समय, किसी भी आर्ट को पढ़ते समय, आपको जो पहला काम करना है, वो काम ये करना है कि उसकी थीम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, सेकेंड पर्पज आपको देखना है कि भाई ठीक है, जो यहाँ पर जो थीम बनाई गई, जो पेंटिंग बनाया गया है, उस पेंटिंग में किस प्रकार के कलर का प्रयोग किया गया है। वो लाल कलर है, वो हरा कलर है, पीला कलर है, कौन सा कलर है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। थर्ड जो पॉइंट है भाई, वो किस पीरियड की ऑल्ट, मतलब भाई वो पैलियोलिथिक पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, कौन सा पीरियड है और किस पीरियड के यहाँ पर ड्राइंग की हम लोग बात कर रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग को ये देखना होगा। और जो चौथा पॉइंट देखना रहता है कि वो किस प्लेस पर बनाया गया है, वो गुफा पर बनाया गया है, वो जमीन पर बनाया गया है, वो किसी कागज पर बनाया गया है, वो किसी पांडुलिपि पर बनाया है, कहाँ पर बनाया गया है, इसकी बात हम लोग करते हैं। कई बार इस प्लेस के अंतर्गत सुपर पोजिशन की चीजें भी आती है कि एक के ऊपर एक पेंटिंग को कई बार ड्रॉ किया गया है, तो उसके कारण क्या है उनको भी समझेंगे। तो अगर मानो आपसे कोई पेंटिंग के बारे में प्रश्न आता है, आप इन चार पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी थीम क्या थी, उसके कलर कौन से यूज है, वो किस पीरियड की घटना है और वहां पर कौन कौन से प्लेस, मतलब वो किस किस प्लेस पर ड्रॉ किया गया है, उसकी यहां पर बात की जा रही है। तो अगर आप ये चार पॉइंट पर चर्चा करोगे ना, आपका मेंस का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दो तीन बातें और समझना, ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न प्रीलिम्स में यहां से पूछता है। मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को प्रीलिम्स में यहां से कैसे प्रश्न बनकर के एग्जाम में आते हैं, हम लोग उस प्रश्न को भी देखेंगे। तो ये आप लोगों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। देखो हुआ क्या, भारत में जब हमने अपने एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजेस किया, तो हमने फाइन आर्ट्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया। देखो फाइन आर्ट्स को शामिल करने का दो तीन उद्देश्य है भाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि आप अपने हिस्टोरिकल जो आपकी पिछली पीढ़ियां रही हैं उनसे आपने क्या सीखा है। ये जो पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स क्या है, जैसे आपके दादाजी, जैसे आपके पिताजी आपके लिए कुछ विरासत छोड़ते हैं ना, विरासत बना करके जाते हैं, आपके लिए कुछ हेरिटेज बना कर जाते हैं, ये वही चीजें होती हैं जो कि हमारे आज से 3000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ड्रॉ किया था। हम उसके माध्यम से उनकी काल को, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य ने अपने जीवन यापन को कैसे आगे बढ़ाया, इस पूरे प्रोसेस को समझने का कार्य करते हैं।
तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों को इससे रिलेट करना है और इससे पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर फाइन आर्ट्स को यहाँ पर ऐड किया गया था। और फाइन आर्ट्स में दो पुस्तकें आप लोगों को पढ़नी है, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, भारतीय कला का परिचय पार्ट वन और पार्ट टू, यहाँ पर दोनों पुस्तकें आप लोगों को देखनी होगी। जो क्लास इलेवंथ की पुस्तक है ये पैलियोलिथिक पीरियड की बात करती है। यहाँ से हम जब स्टार्ट करते हैं चीजों को तो प्रागैतिहासिक काल से चीजों को स्टार्ट करते हैं और ये वही पीरियड जब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, जो पूरा पाषाण काल का जो पूरा पीरियड होता है, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है और ये आगे बढ़ते बढ़ते आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाओगे, फिर गुप्त मौर्य, इन सब चीजों को भी यहाँ पर देखोगे, तो एक पूरा फेज यहाँ पर ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, आपको जो दिक्कत होगी चीजों को समझने में वो आप लोगों को पहले चैप्टर में ही होगा, जो इस बुक का चैप्टर नंबर वन है, इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं तो इसके बाद का पूरा चैप्टर जो है बहुत ईजी है, एकदम परेशान मत होना। सोर्स के तौर पर यहाँ पर जो चीजें आप लोगों को और देखनी है, देखिए मैं दो तीन बातें बताता हूँ। भारत में हुआ क्या, भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि भारतीय कुछ ऑफिसर्स मिलकर के और कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स मिलकर के वो भारत में जो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, जो हेरिटेज था, उनकी स्टडी करना वो स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा 1856-57 के अराउंड में भारत में कई सारे साइट्स की स्टडी की जा रही थी, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के वो स्टडी यहाँ पर हो रही थी, तो उसके आधार पर हमने जीवन को समझना स्टार्ट किया था, ये एक प्रोसेस था। और हम जब यहाँ पर चीजें पढ़ रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पर क्या पढ़ेंगे ना, हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, इंडो मुस्लिम जो आपका पूरा काल था, उस काल में कौन कौन से डिजाइन बनाए, कौन कौन सी पेंटिंग बनाया गया, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दो तीन आप लोगों को सजेशन है, अगर आप लोग सोर्स के तौर पर चीजों को देखना चाहते हो तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी की बुक ले लेना। मैं क्या करूंगा, इस एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। हालांकि ये पीडीएफ अगर आप लोग थोड़ा सा अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड का प्रयोग करोगे, तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी की साइट पर वहां पर डाउनलोड करने को भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, एक सोर्स तो आपका एनसीईआरटी हो गया, दूसरा जो सोर्स आप लोगों को फॉलो करना है यहां पर, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स आप लोगों के लिए है, वो है एक नितिन सिंघानिया जी की बुक है। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा उनका, उनकी एक बुक है नितिन सिंघानिया की, तो ये बुक आप लोगों को यहां पर फॉलो करनी है ये बुक में। अच्छा, दूसरी बात, एनसीईआरटी में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो 16 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं वो 16 के 16 चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को स्टडी करें। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 10 क्लास, ठीक है, मैक्सिमम 10 क्लास में ये पूरे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कराने का प्रयास करूँ। ठीक है, मेरा टारगेट ये है, तो मैं एक बार देखता हूँ कि मैं टारगेट में कितना सफल हो पाता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज थी उस सीरीज में मैंने 40 क्लास का टारगेट किया था और वो 47 क्लास वहाँ पर चला गया था। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी टारगेट करके चलते हैं, देखते हैं कितना चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं और किस प्रकार से कंप्लीट कर पाते हैं। निश्चिंत रहना, एक पॉइंट मैं आप लोगों के लिए स्किप नहीं करने वाला, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। अच्छा, दूसरा जो आप लोगों को यहाँ पर काम करना है, दूसरा जो आप लोग चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है नितिन सिंघानिया की बुक, लेकिन इसमें आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव स्टडी करनी है, मतलब कुछ वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से कहूंगा। मैं यहां पर आप लोगों को एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, उस ग्रुप में आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया होगा कि नितिन सिंघानिया की इस बुक से कौन कौन से चैप्टर्स वहां पर आप लोगों को रीड करने हैं। लेकिन वो कब पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट कर देना कि सर आज ही से हम पढ़ना स्टार्ट कर दे, नहीं, एनसीईआरटी के 16 चैप्टर कंप्लीट कर लो, 10 क्लास लेगा, उसके बाद आप लोगों ये बुक पढ़ना। और उसके बाद जो थर्ड सोर्स आप लोगों को फॉलो करना है वो करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स मतलब जो समसामयिकी का पूरा चैप्टर है, यहाँ से आप लोगों को ये तीन सोर्सेज से आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर अपना पूरा डिफाइन करना है, दिस पढ़ना है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें पढ़ोगे आप लोग, जैसे मानो अब रिपब्लिक डे है, ठीक है, रिपब्लिक डे आ रहा है, तो रिपब्लिक डे पे परेड होगा, उस परेड में क्या होगा कि बहुत सारे आर्ट फॉर्म को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्ट फॉर्म को वहाँ पर दिखाया जाता है, तो जो आर्ट वहाँ पर न्यूज़ में रहता है, मानो कोई डांस है, कोई सी एक जनजाति ने वहाँ पर डांस प्रस्तुत किया, ठीक है, परेड में, तो उस डांस के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो जो चीजें न्यूज में रहती है जनरली, उन टॉपिक्स को हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, एक आप लोगों का सोर्स यहाँ पर ये होता है। तो ये तीन चीजें करनी है। दूसरी बात देखो, प्रीलिम्स में प्रश्न कैसे आएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर के देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में तो कम से कम यहाँ पे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिल जाता है, कम से कम 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर के इस पूरे टॉपिक से देखने को मिल जाता है। हाँ, हालांकि ये बात सही है, ठीक है, हिस्ट्री में मोस्टली पोर्शन यहाँ पर क्या होता है, कवर हो जाता है। जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हो ना, तो इतिहास में भी ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे जब, तो आप देखना हम उसी चीजों की बात कर रहे हैं जिन चीजों के बारे में निशांत सर ने आपको एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाया होगा। लेकिन यहां पर हम क्या करें, हम सिर्फ अपना पूरा ध्यान जो है वो इस आर्ट एंड कल्चर के फॉर्मेट में ही रख रहे हैं, हम यहां पर उसकी पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये काल कैसे उद्भव हुआ, ये काल उद्भव क्यों हुआ, इस काल ने कौन कौन से पॉलिसीज बनाए, वो सारा काम आपका हिस्ट्री में, इतिहास में। आर्ट एंड कल्चर में हम उनके सिर्फ कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके सिर्फ कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हमको स्टडी नहीं करना है। तो जो 4 से 5 प्रश्न यहां पर आर्ट एंड कल्चर के आते हैं वो आपके यहां से कंप्लीट होंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। दूसरा, मेंस में भी अगर आप देखोगे तो GS1 में, ठीक है, सामान्य अध्ययन 1 जो होता है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों के एग्जामों में यहां से प्रश्न आते हैं,
हर बार एक प्रश्न जरूर आ जाता है, तो ये प्रश्न आप लोग तैयार करने से, कभी अभी पूछा गया था कि गुप्ता पीरियड को क्यों हम सबसे अच्छा पीरियड मानते हैं, ऐसे इसी प्रकार से मौर्य पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, धौलावीरा, इन सब पर प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग को यहाँ पर तैयार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसकी अच्छी खासी भूमिका है, बहुत कम मेहनत करनी है आप लोगों को, आप बहुत थोड़े से मेहनत में क्या कर सकते हो, इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हो। एक काम आप लोग कर लेना पैरेलली, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास में मना किया था करने को, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि आप लोग चाहो तो पैरेलली इसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, पैरेलली इस आर्ट एंड कल्चर के पूरे टॉपिक्स का आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो। नोट्स इसलिए बनाने को मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर सिर्फ दो बुक आप लोगों को पढ़नी है और ये दो बुक आप लोगों को दोबारा कभी पढ़नी भी नहीं, और सोर्स के तौर पर मेनली आपको इसी बुक को फॉलो करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग चाहो तो नोट्स बना लेना। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में मना किया था लेकिन यहां पर आप लोग बना सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का बैच अभी चल रहा है 2024 के लिए, टारगेट बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला नया बैच, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी 2024 के बैच चल भी रहा है, कुछ क्लासेस वहां पर हो चुकी है, जो क्लासेस हो चुकी है वो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक के। इस चैप्टर में, इस एनसीईआरटी की बुक में क्या होता है ना कि पहले पहले एक आप लोगों को एक कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस बुक के अंतर्गत महात्मा गांधी का जगह जंतर दिया हुआ, ठीक है, गांधी का जो तलिश्मान है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ये बचपन में आप सबने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो, पढ़ाई तो करते नहीं हो बचपन में, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इन चीजों को देखा होगा। और ये पॉइंट, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक नहीं, ध्यान रखना, मत ये मत कंफ्यूजन सर आप आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक कहां से आ गया, ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन नहीं है भैया, ये है आपका एथिक्स के लिए, एथिक्स समान अध्ययन 4 GS 4 में इसका प्रयोग आप लोगों को जनरली करना रहता है। ठीक है, जरूर करना रहता, तो इस टॉपिक को पढ़ना। महात्मा गांधी जी यहां पर क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं तुमको आज एक जंतर दे रहा हूं, मैं तुमको आज एक मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र छोटा मोटा मंत्र नहीं है, मंत्र वो है कि अगर तुम अपने पूरे भविष्य में कभी भी, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं, यहां पर सिविल अफसर से कोई संबंध नहीं है, सिविल अफसर के जीवन में ये और अच्छे से अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो और आप अपने जीवन में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन वो डिसीजन आपका ऐसा कि आप एथिकल डायलेमा में फंसे हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कौन सा डिसीजन लो, अगर आप कुछ कंफ्यूजन में हो, अगर आपके ऊपर आपका अहम हावी है, ठीक है, आपके ऊपर आपका सेल्फनेस जो है वो अगर यहां पर हावी है, तो आप यहां पर क्या करो, इसकी बात यहां पर की जा रही है। कह रहा है कि समाज में आपके अगल बगल जीवन में जो भी सबसे कमजोर व्यक्ति आपको दिखता है, उस कमजोर व्यक्ति की शकल याद करो। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने अगल बगल, अपने जिस भी आप दोस्त को जानते होगे ना, सबसे गरीब, सबसे कमजोर व्यक्ति होगा, वल्नरेबल व्यक्ति होगा, सुभेद्य व्यक्ति होगा, उसकी शकल को याद कर लेना। ठीक है, और दिल से पूछना अपने कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हो, आप जो डिसीजन यहां पर लेने जा रहे हो, उस डिसीजन का इंपैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर कैसा पड़ेगा। अब यहां पर बात समझिए, आप एक मानिए सिविल अफसर है, माने क्या, एक साल में आप बनी जाओगे अफसर, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो तो आप अधिकारी तो बनोगे, सेलेक्ट तो होगे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अब मानो आप एथिकल डायलेमा में फंसे, आप ये सोच रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, इस गवर्नमेंट पॉलिसी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए या फिर इंप्लीमेंट न किया जाए, तो आप ये सोचो कि भाई इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल समुदाय है, सुभेद्य वर्ग है, उसके ऊपर कैसा पड़ेगा, और वो कितना वहां पर उपयोगी, उसका लाभ उस व्यक्ति तक कितना पहुंचेगा। अगर ये सारी बात आप सोचते हो ना, आपको डिसीजन लेने का बहुत शानदार यहां पर तरीका मिल जाएगा। ठीक है, एक यहां पर ये सॉल्यूशन दिया गया है गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी की जितनी फिलॉसफीज थी ना, वो आप लोगों का एथिक्स में बहुत काम आती है। ये एथिक्स का पॉइंट था, एक जनरल पॉइंट था, चूंकि बुक में था तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया कि पढ़ लेना, एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट, हर एक जो टॉपिक्स होते बहुत इंपॉर्टेंट होते। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की बात हो रही है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की बात की जा रही है। तो एक बार इस टॉपिक को यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई है क्या इसमें। ठीक है, देखो दो तीन बातें समझना। प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ना पीरियड का क्लासिफिकेशन बताता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसान हो। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतिहास में निशान सर ने आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई होंगी, लेकिन फिर भी समझना। देखो जो सबसे पहला पीरियड हम डिजाइन करते हैं, बताते हैं उसको, मैं कहते हैं प्रागैतिहासिक पीरियड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान बिल्कुल मत होना, मैं प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ों को डिस्कस करूंगा और कर रहा हूँ। ये जितने बैचेस हैं वो बायलिंगुअल चल रहे हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में चीज़ें डिस्कस करूँ। हाँ, हालांकि देखिए दो तीन बातें हैं। एक बात तो सही है कि भाई मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, मुझे इंग्लिश उतनी आती है जितना मैं आप लोगों से बोलता हूँ, इस तरह मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो परेशान मत हो ना, अगर एक दो टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, देख लेना। हाँ, आपको क्लासेस समझ में आनी चाहिए, जो आपको पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, वो प्रोसेस समझ में आना चाहिए।
अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज कैसे कैसे घटी थी, ये पेंटिंग क्यों डिजाइन किया गया था, बस ठीक है, फिर इंग्लिश के टर्म आप लोग गूगल सर्च करके आराम से देख सकते हो। लेकिन समझना फिर से, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वो पीरियड था ना जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य रिटन फॉर्मेट में कोई भी प्रूफ यहां पर नहीं था, ठीक है। रिटन फॉर्मेट में यहां पर कोई भी चीज हमको आज तक मिली नहीं है, ठीक है। यहां पर जो चीज हमको मिली वो मिली है चित्र, डिजाइन। अच्छा, डिजाइन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैनवास पर या फिर पेपर पर बहुत सुंदर से डिजाइन किया गया होगा। उस टाइम पे कोई कैनवास नहीं होता था जहां पर आर्टिस्ट बैठकर डिजाइन को ड्रॉ कर सके। वहां पर क्या था, वो गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं की जो दीवारें थी उनके लिए वही एक कैनवास था, नेचुरल कैनवास था भाई, उस पर उन्होंने डिजाइन कर दिया। तो यहां पर जो आपको चित्र मिलेंगे वो रॉक पेंटिंग मिलेंगी, ध्यान रखना, वो आपको यहां पर रॉक पेंटिंग मिलेंगी। आपको ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। शैल चित्र यहां पर आप लोगों को मिलेंगे, और ये शैल चित्र क्या करते हैं, हमको उस समय की लाइफ स्टाइल का अध्ययन करने का एकमात्र हमारे लिए सोर्स होता है, ठीक है। तो एकमात्र सोर्स हमारे पास यही है, उस टाइम पे कोई कैनवास नहीं था, जो रॉक पेंटिंग थी वही जो है प्री हिस्टोरिक फेस को हमको डिजाइन करती है। इसी प्री हिस्टोरिक फेस को, एक मिनट सॉरी, ठीक है ठीक है, देखो इसी प्री हिस्टोरिक फेस को हम लोग डिजाइन पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में हम लोग इसको कई पार्ट से डिसाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है। देखिएगा, तो ये जो पाषाण काल होता है ना, हम जो उस टाइम पे टूल्स प्रयोग किए जाते थे, जिन टूल्स के माध्यम से डिजाइन होता था, जिन टूल्स के माध्यम से हम जानवरों का शिकार करते थे, उन शिकारों के आधार पर हमने इस पाषाण काल को, हमने इस स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। नोट कर लेना, ये पॉइंट इस बुक में नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, निशान सर ने पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर डिसाइड कर एक बार बता दे रहा हूं ताकि नोट कर लेना आप लोगों के पे, ठीक है। देखो, जो पाषाण काल में जो पहला पीरियड था उसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। जो सेकेंड पीरियड था उसको हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं, मेसोलिथिक। देखो, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ध्यान रखना, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पैलियो मतलब पूरा, मेसो मतलब मध्य, और नियो मतलब नौ। तो जब नौ पाषाण की हम यहां पर बात करेंगे, मैं बहुत सिंपल अर्थों में एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना भाई, नियो पैलो नियो लिथिक यहां पर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पीरियड आपके स्टोन एज में डिसाइड होते हैं, ठीक है। जो पैलियोलिथिक पीरियड था, इसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, इसी पीरियड को यहां पर हम लोग आपका हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी यहां पर इसको हम लोग कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल को ही ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसी ओल्ड स्टोन एज को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर से हम तीन पार्ट में डिसाइड करते हैं। तो एक बार इसको आप लोग यहां पर ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पैलियोलिथिक एज को, ठीक है, तीन पार्ट में। एक जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पूरा पाषाण, और तीसरा आपका होता है उच्च या फिर उत्तर, ठीक है, उच्च या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूर्व पूरा पाषाण काल क्या हो गया भाई, इसको हम लोग कहेंगे लोअर, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। मध्य पाषाण काल होगा आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाएगा इसको, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाएगा। और जो उत्तर पीरियड होता है इसको हम लोग अपर अपर या फिर लेटर अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब ध्यान रखना, दरअसल जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था, जो पूर्व पूरा पाषाण काल था, उस काल में ज्यादातर ड्राइंग मिलती नहीं है हमको, हमको पेंटिंग ज्यादा प्राप्त होती नहीं है, तो हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका मध्य पाषाण काल था वहां पर थोड़ी बहुत मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो पेंटिंग मिलना स्टार्ट होती है वो आपकी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट होती है। और ये वही पीरियड था जहां पर आपको भीमबेटका की गुफाएं मिलती है। भारत में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो सबसे पुरानी गुफाएं कही जाती है। तो भारत में प्राप्त सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग जो है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपको मिलती है, उच्च पूरा पाषाण काल में आपको यहां पर मिलती है। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, उसकी यहां पर मैं बात कर रहा हूं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम भीमबेटका के संदर्भ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बातें समझ में आई आप लोगों को, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है, जिसका आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस पीरियड में कोई भी लिखित साक्ष्य या फिर रिटन फॉर्मेट में हमारे पास प्रूफ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे।
यहां पर जो चीज हमारे पास अवेलेबल थी उसको हम लोग कहते हैं चित्र ड्राइंग्स। अच्छा ड्राइंग्स के लिए यहां पर कोई कैनवास नहीं होता था, कोई पेपर का प्रयोग नहीं होता था, ना तो कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती थी। यहां पर जो भी डिजाइन आपको देखने को मिलता है वो रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है, ठीक है, वो आप लोगों को शैल चित्र देखने को मिलता है, एक बात ध्यान रखना। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक मतलब नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसी पैलियोलिथिक पीरियड को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और उच्च या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसको हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो ये तीन पॉइंट आप लोगों को ध्यान में फिर से रखना है। जो आप लोगों का अपर पैलियोलिथिक पीरियड था, इसी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भारत में जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स मिली है, रॉक पेंटिंग्स मिली है, वो यहीं से प्राप्त हुई, इसी काल की उसको माना जाता है। भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं उनकी यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एक आइडिया आप लोग फिर से लेना, ठीक है, एक यहां पर आप लोग आइडिया फिर से लेना, जो पूरा पाषाण काल है वो 10,000 वर्षों से पहले की घटना है, ठीक है, ये 10,000 वर्षों से पूर्व की बात यहां पर की जाती है पूरा पाषाण काल के अंदर, ठीक है। जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है, इस मेसोलिथिक पीरियड में हम 10,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व की यहां पर बात करते हैं, और जो नव पाषाण काल है, जो न्यूलिथिक पीरियड है, ये आपका 8,000 बीसी से स्टार्ट होता है और आपका 4000 बीसी तक यहां पर ये आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको कि आप लोग यहां पर देखना। एक बहुत बेसिक मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया कि यहां पे जो पीरियड्स का डिवीजन होता है वो किसके अकॉर्डिंग यहां पर किया जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद क्या होता है कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वैदिक सभ्यता वाला जो पीरियड रहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखना, मैं इस प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहा हूं, प्रागैतिहासिक काल के बाद, अर्थात ये सारे पीरियड उसमें शामिल हो गए। इसके बाद का जो पीरियड आता है, ठीक है, उस पीरियड में क्या होता है ना, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड या फिर आदि ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है। और उस पीरियड में आप देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल वाला जो पूरा पीरियड है, वहां पर कुछ कुछ लिपियां तो मिलती हैं, ठीक है, कुछ कुछ वहां पर स्क्रिप्ट तो मिलते हैं, लेकिन वो पठनीय नहीं थे, मतलब उसको रीड नहीं किया जाता था आज तक, ये वहां पर एक बात है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कला के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में चीजों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारे पास यहां पर टॉपिक इस हद तक सीमित रहेगा कि रॉक पेंटिंग्स किस प्रकार से डिजाइन किया गया, उनका उद्देश्य क्या था और वो चीजें क्या थी, ठीक है। देखो भाई, प्रागैतिहासिक काल का यहाँ पर एक मैप दिया गया है, मैप अभी मत देखना, मैप आप लोग कब देखना, जब हम लोग पूरी क्लास को समाप्त कर लेंगे, क्लास डिस्कस कर लेंगे, आप लोग फिर से बुक खोलना, और बुक खोलने के बाद मैप पे पॉइंट्स को लोकेट करना कि यहाँ पे देखो अल्मोड़ा के पास हमने कौन सी गुफा के बारे में पढ़ा था, ये गुफा वहां पर आप लोग सर्च करना। आप देखना यहाँ पर कि जो अन्य गुफाएं, भीमबेटका गुफा है, वो भीमबेटका गुफा कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर लोकेटेड है, इसको पढ़ने का प्रयास करना। तो ये काम आप लोग को उस समय करना है, अभी क्या करना, अभी क्लास को समझने का प्रयास करो। देखो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें स्टार्ट हो। यहाँ से हम लोग चैप्टर की असली स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को जितनी बातें बताया वो आप लोगों के लिए एक बेस था ताकि ये चैप्टर समझने में आपको चीजें बहुत ईज करे, बहुत आसान करे। आधे घंटे का हमने एक इंट्रोडक्शन लिया यहाँ पर, ध्यान रखना ये इंट्रोडक्शन आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा इंट्रोडक्शन, जितना बेसिक फॉर्मेट में जितना आप लोगों के समझने के लिए मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो भाई, जो आपका ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इस पीरियड में जो डिजाइन होता था, ठीक है, वो कैसे होता था समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हम लोग इसकी स्टडी क्यों करते हैं, कोई कहेगा भाई कौन इतना मूर्ख, जैसे बहुत से लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते हो तो इतिहास में आपने क्या गलतियां किया, इतिहास में आपने क्या सीखा, उसका आप फ्यूचर में कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसकी स्टडी इसलिए करते हैं, ध्यान देना, कि मनुष्य कैसे रहता होगा, ठीक है, जो ह्यूमंस थे वो कैसे उस टाइम पर रहते थे, इसका स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हाउ पीपल लिव्ड इन दोज टाइम्स, ठीक है। वाज डिफिकल्ट टू सरमाइज अंटिल द स्कॉलर्स बिगन टू द डिस्कवर, उस समय लोग कैसे रहते थे इसको समझने के लिए स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने इसका स्टडी करना प्रारंभ किया, ठीक है। यहां पर जब इन स्थलों की खुदाई किया गया, इन साइट्स का जब खुदाई किया गया, ठीक है, एक्सकवेशन किया गया, तो उसके बाद यहां पर जो टूल्स प्राप्त हुए, यहां पर जो पोट्री प्राप्त हुआ, यहां पर जो भी आवास प्राप्त हुए, यहां पर जो हड्डियां प्राप्त हुई, उनके आधार पर क्या किया हमने उस टाइम का प्रॉपर एक आइडिया लगाया कि हाँ भाई यहां पर ये चीजें होती थी। यहां पर जो ड्राइंग्स हमको प्राप्त हुई, उन ड्राइंग्स ने उस समय की सोसाइटी के हमको चीजें को बताने में एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो आज के टाइम के, आज के 4000 वर्षों बाद अगर यहां पर खनन हो, ठीक है, और खनन होने के बाद हमको ये देखे कि यहां पर एक लैपटॉप ऐसे कुछ पाया गया, एक ऐसे कुछ डिवाइस पाई गई, अब उस टाइम पर सोचोगे हम क्या सोचेंगे, वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ भाई इनके पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी रहा होगा जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये अपनी बात को बादलों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे थे। जैसे कि कालिदास ने मेघदूत में जो बातें लिखी है, देखो एक बात समझना, लोग कहते हैं हिस्ट्री बेवकूफी वाली बात है, हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट समझना।
कालिदास जी ने मेघदूत में एक बात को लिखा, लिखा क्या कि वहां पर जो व्यक्ति है, जो मेन एक्टर है, जो मेन रोल भूमिका निभा रहा है, वो मेघों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से क्या कर रहा है, अपने संदेश को अपनी जो प्रेमिका है उस तक पहुंचा रहा है। वही चीज तो आज भी होती है, कि आज वो चीज नहीं होती है। आज भी जो आप SMS करते हो, जो आप ईमेल करते हो, वो कैसे हो, बादलों के थ्रू जा रहा है। तो देखो कितना हिस्ट्री चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आज से 2000 वर्षों बाद कुछ चीजों को स्टडी करें तो एक आइडिया लगाएगा। हमने भी उसी प्रकार से आइडिया लगाया कि उस टाइम पर लोग कैसे रहते होंगे, उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पर की होंगी। अब बातों को और समझना, जब अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि आप पेंटिंग बनाते कब, उस टाइम के लोगों ने अगर पेंटिंग बनाया तो पेंटिंग कब और क्यों बनाया होगा, इस बात को समझना। जैसे अगर मैं आपको आज का एग्जांपल लूं, अगर आज आपके घर में सीनरीज अवेलेबल है, आप बड़े बड़े देख रहे, बहुत बड़ी बड़ी सीनरी आपने घर में लगाई है, हालांकि सबके घर में तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, उस बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर मनुष्य की तीन जरूरतें, जो तीन फंडामेंटल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, जब तक वो चीजें पूरी नहीं होती है, मनुष्य क्या करता है, अपनी चीजों को उनको प्राप्त करने में लगा रहता है। जब मनुष्य को ये तीनों बेसिक नीड्स प्राप्त जाता है तो मनुष्य अन्य जो इंटरटेनमेंट के साधन होते हैं, जो मनोरंजन के साधन होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होता है। तो ये जो डिजाइन है ना, जो आर्ट फॉर्म है, भैया आप कला कब खरीदोगे, आप जाओगे आप देखोगे 2000 रुपए का एक सीनरी मिल रहा है, हम क्यों लेकर के आएंगे, जब मेरे पास पैसों की अधिकता होगी, जब मेरे पास मनी सरप्लस में होगा। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना, जब मनी सरप्लस में होगा आप क्या करोगे, आप पैसे वहां से कुछ सीनरी लेकर के आओगे, आप कुछ शोपीस लेकर के आओगे। तो हम उन सब चीजों पे अपना खर्चा तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में बेसिक नीड्स को पूरा करने की चीजें पूरी हो जाती है। तब व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है, हम अपने मनोभावों को व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं। आपकी जब इनकम सिक्योर हो जाती है, आपकी अभी ऑफिशियल जॉब लग जाए, आप अधिकारी बन जाओ, तब देखो आपके मन में जितनी बातें अभी तक दब के रखी हुई थी ना, कि मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, मुझे ड्राइंग्स करनी, मुझे सिंगिंग करना, मुझे मूवी देखने जाना है, वो सारी इच्छाएं तब पूरी होती है। इस समय के मनुष्य ने भी वही काम किया, क्योंकि मनुष्य तो हमेशा सेम होता है भाई, उसकी फीलिंग तो हमेशा सेम है। उसने यहां पर भी वही किया कि जब उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो उसने अपने विचारों को व्यक्त करना, उसने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का सिंपल तरीका उसने क्या अपनाया, कि रॉक्स पर जहां पर वो रहते थे, उन गुफाओं की दीवारों को उन्होंने एक बेस बांध करके उस पर ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। उनकी जो ड्राइंग्स, दो तीन बातें समझता, उनकी जो ड्राइंग थी वो ड्राइंग्स 2D होती थी, वो दो आयामी ड्राइंग होती थी, वो कोई 3D पेंटिंग नहीं बनाते थे, वो एकदम से तरीके से एकदम सिंपल 2D में डिजाइन को बनाते थे। अभी आप देखोगे डिजाइन कितनी शानदार बनाते थे, मतलब मुझसे तो अच्छी डिजाइन नहीं बनाते थे, इतना मैं मानता हूं, लेकिन एक बार देखने का प्रयास करते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे आजकल कुछ लोग डायरी लिखते हैं। डायरी क्यों लिखते हो भाई, डायरी लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास समय रहता है, उनके पास ये चीजें रहती है कि वो अपने डेली के थॉट्स को, डेली के चीजों को एक लॉग बना करके एक जगह पर रखें। उस टाइम पर भी जो व्यक्ति फ्री होता था, जिस व्यक्ति के पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होती थी, वो क्या करता था, पेंटिंग्स ड्रॉ करता था। उस समय लिपि तो थे नहीं, उस समय स्क्रिप्ट तो हम लिख सकते नहीं थे, तो वो पेंटिंग के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते थे। देखो भाई, तो हमने तो ये सब चीजें पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि पैलियोलिथिक एज क्या होती है, जो ओल्ड स्टोन एज होता है वो किस प्रकार से क्लासिफाइड होता है, हमने इन सारी बातों का क्या है, बेसिक तौर पर डिटेल में स्टडी कर लिया। ठीक है, अब क्या है ना कि जो यहां पर हमने जो पेंटिंग्स देखी है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स थी, उनको हमने अपने यहाँ पर देखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी ही बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं वो पेंटिंग्स अपर टाइम की है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की है। बट बाय द अपर पैलियोलिथिक टाइम वी सी अ प्रोलिफिकेशन ऑफ द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, इस टाइम पर जो चित्रात्मक गतिविधियां थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलता है। भारत में जो शैलचित्र थे, जो रॉक पेंटिंग्स थे, उनकी सबसे पहले जो खोज स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पर देखो 1867-68 में ब्रिटिश एरा में हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग चीजों के डिस्कवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेन में जो डिस्कवरी हुई थी उससे हमने 12 वर्षों पहले 12 ईयर बिफोर हमने क्या किया था, एक यहाँ पर एक महोदय थे, उन महोदय का नाम था आर्किबोल्ड कार्लाइल, आर्किबोल्ड कार्लाइल, यहाँ पर नाम देखो आप लोग, मैं आप लोगों का नाम दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो आर्किबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले भारत में रॉक पेंटिंग्स की स्टडी करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जो ये व्यक्ति थे, जो महाशय थे, इन महाशय ने जब पेंटिंग जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो इन्होंने एक लखडियार गुफा थी, ठीक है, लखडियार गुफा से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुए, जनरली जो भारत में रॉक पेंटिंग्स प्राप्त होते हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहां पर जो पहला पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो लखडियार गुफा की बात की जा रही है। तो यार आप लखडियार गुफा के बारे में पढ़ने का प्रयास करो, देखो यहां पर क्या दे रहा है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बना हुआ है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा है कि लखोडियार जो है वो किस नदी के किनारे पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। देखो क्या कह रहा है कि उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, यूके की बात हो रही है, उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में, जो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में, देखो इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर ध्यान देना, यहां पर चीज लिखी हुई है कि कुमाऊं हिल्स में क्या है कि उत्तराखंड में आपको यहां पर कुछ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। अल्मोड़ा के कुछ नजदीक में 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे, जो सुयाल रिवर है उसके किनारे लखुडियार गुफा पाई जाती है, ठीक है। कौन सी गुफा पाई जाती है? लखुडियार केव यहां पर पाया जाता है। किस नदी के तट पर? तो सुयाल नदी के तट पर। इस पॉइंट को नोट करना कि लखुडियार केव जो है, ठीक है, वो उत्तराखंड में है। वो क्या है जो केव यहां पर प्राप्त किया गया है? वो सुयाल नदी के किनारे पर लोकेटेड है, ठीक है, अल्मोड़ा के पास में है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना याद करना, लेकिन आप लोग मैप में इसकी लोकेशन को चेक कर लेना, ठीक है, कभी समय मिलेगा घूम करके आ जाना। देखो लखुडियार लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है लखुडियार का, कि 1 लाख केव, ठीक है, 1 लाख गुफाएं जो है उसकी बात करते हैं लखुडियार का मतलब। लखुडियार का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएं, 1 लाख गुफाएं। यहां पर जो चित्र प्राप्त बनाए गए ना, वो चित्र 3 प्रकार के थे। यहां पर मानव को डिजाइन किया गया, ठीक है, वहां पर क्या, एक मैन को डिजाइन किया गया, एक जानवरों को डिजाइन किया गया, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यहां पर डिजाइन किए गए, ठीक है, ध्यान समझना। अब मैं बात कर रहा हूं थीम्स की। मैंने आप लोगों से क्या बताया, किसी भी पेंटिंग में आप लोगों को थीम्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर थीम्स की बात की जा रही है कि जो लखुडियार केव है वहां पर 3 कैटेगरी में डिजाइन बनाई गई, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखो क्या भाई, आप ये देखो, मैं आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स समझाता हूं कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स किस प्रकार से बनाए गए। आप ये देखो, ये लखुडियार केव है उत्तराखंड का, ठीक है। इस लखुडियार केव में आप यहां पर जो देख रहे हो वेवी लाइंस पाई गई है, बस ये ऐसे 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 एक वेवी लाइन यहां पर पाए गए। ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है। उस समय साइन और कॉस का कर्व नहीं होता था, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो समझ रहे होंगे, ये साइन कॉस का कर्व नहीं है, ये वेवी कर्व बनाया गया है। और उस टाइम पर ऐसे डिजाइन बनाए जाते थे। जनरली पेंटिंग्स में अभी भी जो होती है, अब देखो आप कोई सीनरी बनाया जाता है तो सीनरी के जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर आप देखो तो ऐसे वेवी लाइन करके कभी कभी डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का वैसा डिजाइन, मुझे लगता है वैसा डिजाइन पाया जाता होगा। इस डिजाइन की आप बात की जाती है, तो लखुडियार केव में जो एक पेंटिंग पाया गया है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के आधार पर है, ठीक है। वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में सिर्फ वेवी लाइन यहां पर दिखाया गया, तो ये ध्यान रखना थीम की बात यहां पर ऐसी होगी। अब देखो भाई, एक यहां पर थीम और है। थीम क्या है कि हैंडलिंग डांसिंग फिगर्स लखुडियार उत्तराखंड, ठीक है। यहां पर जो हाथों में हाथ डाल करके, ठीक है, बॉलीवुड के सॉन्ग पर नृत्य करते हुए कुछ लोग यहां पर दिखाए गए हैं। यहां पर ध्यान देना, मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर जो मनुष्य दिखाए गए हैं, जो जानवर यहां पर दिखाए गए हैं, उनको जनरली हम लोगों ने मनुष्य को स्टिकी लाइन फॉर्मेट में दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। हमने छड़ी आकृतियों में दिखाने का प्रयास किया है। छड़ी आकृतियां कैसे भाई? देखो यही तो मनुष्य यहां पर ड्रॉ किए गए हैं, और क्या यहां पर ड्रॉ किया गया है, यही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग जो है ये मुझसे अच्छी पेंटिंग को यहां पर बनाया गया, ठीक है। मैं इससे अच्छा मनुष्य बना सकता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर ऐसी पेंटिंग बनानी है तो मैं आज भी अपने घर की दीवार पर ऐसी पेंटिंग ड्रॉ कर सकता हूं, बस मेरी माता जी हमको 2-3 झापड़ ना मारे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग ड्रॉ करने मत लग जाना कि सर रॉक पेंटिंग उस टाइम पर होता तो मैं भी अपने दीवार पर रॉक पेंटिंग को डिजाइन कर लेता हूं, ठीक है, बहुत पिटाई पड़ेगी घरों पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये लखुडियार केव में ऐसी डायग्राम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसकी 3 थीम था, एक मनुष्य मिलता है। अगर मनुष्य मिलते तो मनुष्य क्यों, कैसे मिल रहे हैं? तो मनुष्य डांस करते हुए मिल रहे हैं, ठीक, हाथों में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ यहां पर लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं। ये बात है कि यहां पर डिजाइन किया गया। एक जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है, जो वेवी लाइन है, उसको यहां पर आप लोग यहां पर देख रहे हो, ठीक है। तो लखुडियार में ऐसी 2 आकृतियां यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और लखुडियार का एक डायग्राम और मैंने कहीं देखा था, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझने में मजा आए, ठीक है। देखो ये कहां का पीरियड का डिजाइन है, ठीक है, ये लखुडियार का ही है क्या? हाँ देखिए, ये लखुडियार केव का ही डिजाइन है। कह रहा है इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर इन द डांसिंग मोड आर शोन, इनफैक्ट दिस इज अ रिकरेंट थीम, इट आल्सो रिकॉल्स द डांसिंग सीन फ्रॉम द लखुडियार रॉक। अच्छा, लखुडियार लॉक की तरह यहाँ पर एक और भीमबेटका में डिजाइन किया गया है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। हम आते हैं फिर से लखुडियार पर ही। आज की क्लास में लखुडियार और भीमबेटका दोनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले, तो लखुडियार के बारे में आपने देखा, थीम आपने समझा। अब यहां पर देखो, यहां पर जो कलर का प्रयोग किया गया है वो कलर कैसे प्रयोग किए गए, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार के कलर प्रयोग किए गए, ठीक है, सफेद, काले और लाल रंगों का यहां पर प्रयोग किया गया, ठीक है। सफेद को चूना पत्थर से निकाल लेते थे, लाल रंग का एक गिरुआ पत्थर होता है, उस पत्थर से इसको पीस करके कलर बनाए जाते थे। वहां पर ऐसा थोड़ी था कि वहां पर वो कलर्स प्रॉपर मिलते होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर काले कलर के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं, फिर रेड कलर आता है, फिर सफेद कलर के डिजाइन यहां पर ड्रॉ ये जाते हैं, ठीक है। आज की तरह, आज के टाइम में जितना पेंटिंग इजी होता है ना, उतना पेंटिंग उस टाइम पर इजी नहीं था। अगर वहां पर पेंटिंग करनी है तो पहले रॉक को पीस करके वहां से
कलर बनाना पड़ता था, उस कलर का प्रयोग करते हुए। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या था, पेंट ब्रश नहीं आते थे, ठीक है, कि आप 0 साइज के, 1 साइज के, 2 साइज के ब्रश ले लो और वो ब्रश से आप पेंटिंग करो। यहाँ पर प्रॉपर नेचुरल में पेड़ पौधों के छालों से प्राप्त, पेड़ पौधों के टहनियों से प्राप्त कुछ कुछ ब्रश बनाने पड़ते थे, उन ब्रशों का प्रयोग करते हुए चीजों को ड्रॉ करना पड़ता था। बातें समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि ये एप्पल पेंसिल यहाँ पर मिल गया और एप्पल पेंसिल चीजों को बताने से ड्रॉ कर लिया और अपने आपको बहुत आर्टिस्ट बना लिया, ठीक है। वहां पर पेंटिंग बहुत टफ हुआ करती थी और वो पेंटिंग आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब बातों को और समझना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हमने लखोडियार केव के बारे में कुछ पॉइंट देखा, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना तो ऐसे ही केव्स आगे भी और जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही केव क्या है, आप लोग कश्मीर में मिलते हैं, ऐसे केव आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलते हैं, और वहां पर जो ग्रेनाइट पत्थर से उन पत्थरों पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसी पेंटिंग वहां पर ड्रॉ की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप लिखा भी हुआ है, फ्रॉम कश्मीर टू स्लैब विद इनग्रेविंग हैव बीन रिपोर्टेड, द ग्रेनाइट रॉक ऑफ द कर्नाटक एंड द आंध्र प्रदेश प्रोवाइडेड सुटेबल कैनवास ऑफ द न्यूलिथिक मैन फॉर दिस पेंटिंग्स, ठीक है। नवपाषाण युग के लोगों के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो ग्रेनाइट चट्टाने थी उन्होंने पेंटिंग्स के लिए सबसे अच्छा कैनवास यहाँ पर प्रदान किया। कैनवास क्या होता है, कैनवास का मतलब होता है कि एक खाली जगह जहां पर आप पेंट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। वो आपका पेपर हो सकता है, वो आपका कपड़ा हो सकता है, वो आपका घर की दीवार हो सकती है, वो आपकी गुफा की दीवार हो सकती है, कहीं पर भी हो सकता है, आप वहां पर उस चीजों को ड्रॉ करते हो। लखुडियार केव में जो जानवर दिखाए गए ना, ठीक है, वो जानवर भी बड़े थोड़े से डरावने जानवर थे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल जानवर नहीं थे। उन जानवरों में आप देखोगे तो जो जानवर आप डिजाइन किए गए उन जानवरों में एक लंबे थूथन वाला जानवर है, ठीक है, एक लोमड़ी यहाँ पर पाई गई, एक फॉक्स का डिजाइन किया गया, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, देखो, अ लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल अ फॉक्स एंड द मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड, ठीक है, कई रंगों वाली मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड, यहाँ पर कई पैरों वाली, कई रंगों वाली छिपकलियों को भी यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो छिपकलियां से जो लड़कियां डरती है ना, ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चीजों को पढ़ने का प्रयास करना। अब देखो, लखुड़ियार केव यहाँ पर आप लोग का हो गया। अब हम लोग बढ़ते थोड़ा सा और आगे, और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जिन चीजों को हम लोग को देखना है नवपाषाण काल के टाइम के बाद, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के टाइम में आप यहाँ पर देखो तो भीमबेटका गुफा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ भीमबेटका केव की किस प्रकार से बात की जा रही है, इसको समझने का प्रयास करना। सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाली जो पेंटिंग प्राप्त की गई वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल के श्रृंखलाओं में और उत्तर प्रदेश में जो एक्सटेंडेड पोर्शन था उस टाइम का, कैमूर की पहाड़ियां, वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज में और कैमूरियन जो एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में, उसमें यहाँ पर आपको क्या करता है, ये देखने को मिलता है। ये जो पूरे क्षेत्र है ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अवशेषों से भरा पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं जो कि उस टाइम की चीजों को दिखाते हैं। दरअसल ये एक प्रकार के जो गुफाएं थी, ये गुफाएं एक प्रकार की ऐसे जगह रहे होंगे जहां पर जब लोग ट्रेवल करते होंगे, लोग आते जाते होंगे, तो धूप से बचने के लिए यहां पर वो रहते होंगे, ठीक है, गर्मी ठंडी बरसात से बचने के लिए ये लोग यहां पर रहते होंगे, ठीक है। तो ये बंद जो यहां पर बात की जा रही है, वो बात की जा रही है भीमबेटका केव की। यहां पर ध्यान दे रहा, भीमबेटका केव की बात की जा रही है। भीमबेटका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और यहां पर करीब 800 शेल्टर प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर 800 रॉक शेल्टर प्राप्त किए गए हैं और इन 800 रॉक शेल्टर्स में से 500 में क्या है, आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। 800 शेल्टर्स में से 500 में आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है, इसकी बात यहां पर की जाए, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। भीमबेटका जो केव है इसको सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकनकर, अच्छा यहाँ पर V.S. वाकनकर लिखा हुआ है, हिंदी में डॉक्टर V.A. वाकनकर लिखा हुआ है, तो V.S. वाकनकर आपको ध्यान में रखना, ठीक है, कि V.S. वाकनकर जो है 1957-58 में क्या था, इन्होंने इसकी यहाँ पर अनुसंधान किया था, इसका यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स का डायग्राम और बताएगी, पेंटिंग यहाँ पर कैसे और डिजाइन की जाती होंगी। यहाँ पर देखो, इस समय जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किए जा रहे थे उस डायग्राम में 2-3 चीजें यहाँ पर और थी, क्या था भाई, यहाँ पर आप देखो, एक सेकेंड, यहां पर जो कुपगुल्लू है, कुपगुल्लू क्षेत्र यहां पर आप देखो तो कुपगुल्लू, और यहां पर एक क्षेत्र की और बात की जा रही है, कुपगुल्लू पिकलिहार और टेक्कलहोटा, ये क्षेत्र भी थे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र नहीं थे, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के क्षेत्र में आपके कुछ एरियाज थे। तो नियोपैलोथिक टाइम में, ठीक है, नवपाषाण काल में यहां पर कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलता है, यहां पर कुछ जानवर, तो देखो जानवर तो हर थीम में रहेगा, पाषाण काल के हर थीम में आपको जानवर देखने को मिलेगा, पहली बात है। दूसरा, शिकार का, हंटिंग का जो पोर्शन है, जो थीम है उसकी, वो आपको हर गुफाओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि हंटिंग उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था।
था, ठीक है, वही उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो हंटिंग आपको देखने को मिलेगा, जब हंटिंग होगा वो लोग जीतेंगे तो आपको कुछ डांस की फोटो देखने को मिलेंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज होगी, कल्चरल इवेंट्स कुछ होगा उस टाइम पे, ठीक है, कुछ सामुदायिक कार्यक्रम होंगे तो वहां पर आपको डांस के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो दो तीन थीम तो आपको बहुत क्लियर है। और आप यहां पर एक बात और समझो, यहां पर जो थीम ड्रॉ की जा रही है वो थीम कैसी है, तो वो जनरल लाइफ की थीम है, कोई बहुत बड़ा ड्राइंग ड्रॉ यहां पर नहीं किया जा रहा चीजों को, नॉर्मल जीवन की जितनी एक्टिविटीज है उनको ही रॉक पेंटिंग पे यहां पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। यहां पर एक पेंटिंग मिलती है जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया, ठीक है। अब भाई समय कोई भी हो, मनुष्य की भावनाएं तो सेम होती है ना, तो ये भावनाओं पर यहां पर आप लोग पेंटिंग देख रहे हो, ठीक है, कि बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा करके ले जाते हुए यहां पर ड्रॉ किया गया है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। तो ये एक पेंटिंग यहां पर आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहां पर देखिए, मैं इंग्लिश में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कि हाँ ठीक है, चलिए इसमें यहां पर दिया नहीं है, चलो तो ये बात क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आते हैं भीमबेटका गुफा को थोड़ा और पढ़ते हैं। 1957-58 में डॉक्टर वीएस वाकणकर जो थे उन्होंने क्या किया था, भीमबेटका गुफाओं की खोज किया था। यहां पर करीब 800 शेल्टर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, उन 800 में से करीब 500 शेल्टर्स में क्या है कि आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं, ड्राइंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहां पर मध्य प्रदेश में एक जोगीमारा शेल्टर भी था, जोगीमारा गुफा भी था, हालांकि उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो। तो जोगीमारा के में भी ऐसे कोई डायग्राम आप लोगों को आर्ट फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यहां की जो पूरी थीम थी, ठीक है, थीम की बात करना, थीम मैंने आप लोगों को अभी क्यों बताया फिर से वापस जाकर के, क्योंकि थीम समझना बहुत जरूरी है। भीमबेटका गुफा की जो थीम थी वो थीम देखो क्या थी, रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा मतलब मेकअप करना, ब्यूटी करना, ठीक है, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र यहां पर शामिल किए गए। तो भीमबेटका केव में जो आपको थीम देखने को मिलती है उस थीम को समझना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थीम यहाँ पर दिया गया है इन थीम को समझना, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मार जाती है, ठीक है। एक क्या वैरायटी है भाई, डेली लाइफ की जितनी एक्टिविटीज थी, ठीक है, उन इमेज को यहाँ पर ड्रॉ किया गया, हंटिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, ठीक है, एनिमल हंटिंग, एनिमल फाइटिंग, जानवर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक जानवर का शिकार करने के लिए चार लोग घेर करके खड़े, उस डायग्राम को भी यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। अगर जानवर का शिकार करते समय जानवर अगर लहूलुहान हो गया, जानवर अगर घायल हो गया है, तो उसकी खुशी में कुछ लोग वहां पर सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं कि हमने जानवर का शिकार कर लिया, ऐसे भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके रखे गए, ठीक है। तो ये आपका भीमबेटका केव की जो उस टाइम में पीरियड था उसमें आपको यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। भीमबेटका गुफाओं में आप लोग को दो तीन बातें यहाँ पर और समझना, भीमबेटका की पूरी केव को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द रॉक आर्ट ऑफ द भीमबेटका हैज बीन क्लासिफाइड इन द वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल, ध्यान रखना, स्टाइल के बेसिस पर किस प्रकार के वहां पर चीज ड्रॉ किया गया है, किस तकनीक का प्रयोग है, टेक्निक क्या थी, और सुपर इम्पोजिशन आधार क्या था, इसके आधार पर हमने क्या किया है कि भीमबेटका की गुफाओं को तीन पार्ट में यहाँ पर हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तीन पार्ट में हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तीनों पार्ट समझने का प्रयास करो कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है उसको हम कहते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल, हमने देखा था, मैंने बताया था ना कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो होगा उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बाद यहाँ पर आपका मध्य पाषाण पात की बात आ रही है, ठीक है, जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है उसकी यहाँ पर क्लासिफिकेशन से, और एक आपका ताम्र पाषाण युग या फिर जो कैलियोलिथिक, ठीक है, यहाँ पर आप देखो कैलियोलिथिक या फिर कैलियोलिथिक जो पीरियड है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो तीन पीरियड में डिजाइन ड्रॉ किया गया इस पूरे भीमबेटका केव में जितनी आकृतियां प्राप्त की गई है उनको, देखो दो तीन बातें समझना, यहां पर जो हमने अभी देखा था कि कला की शैली, ठीक है, कला का तकनीक और कला के आधार, आधार सुपर इम्पोजिशन का मेरा मतलब यह है कि चूंकि हम जो बात कर रहे हैं भीमबेटका केव में ड्रॉइंग्स की, रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो एक दो वर्षों की बात नहीं है, वो हजार, दो हजार, चार हजार वर्षों में वहां पर जो चीजें ड्रॉ की गई उनकी बात की जा रही है। अब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आ रही है तो दूसरी पीढ़ी ऑब्वियसली वहां पर कुछ नया ड्रॉइंग बनाएगी। तो कई बार ऐसा देखने को मिला कि एक ही पेंटिंग के ऊपर 100-100 बार नई आकृति वहां पर ड्रॉ किया गया है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करोगे तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि एक ही पेंटिंग के ऊपर क्यों बार बार पेंटिंग को ड्रॉ किया गया, ठीक है, क्यों बार बार पेंटिंग को ड्रॉ किया गया, इसको समझने का प्रयास करना। अगर आप ये बात समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए दो तीन चीजें हो सकती है, एक ही जगह पर बार बार पेंटिंग क्यों ड्रॉ की गई होंगी,
सबसे पहला रीजन जो मुझे दिखता है, जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया भी है, मैंने देखेंगे भी आगे चल करके, पहला रीजन ये देखने को मिलता है कि भाई ये जो ड्रॉ जो जिस प्लेस पर ड्रॉ किए जाते थे वो प्लेस बहुत रिलीजियस प्लेस रहा होगा, बहुत धार्मिक स्थान रहा होगा। अब धार्मिक स्थान है तो वहां पर चीजों को ड्रॉ करना बार बार जरूरी बन जाता है, ठीक है, ताकि वो चीजें मिटे ना और वो चीजें वहां पर हमेशा के लिए विद्यमान रहे। एक तो कारण यहाँ पर ये निकल करके आता है, कई सारे कारण और निकल करके आते हैं। एक कारण ये निकलता होगा भाई कि ये जो चित्र थे, ठीक है, ये चित्र हो सकता हो कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे गायब होते जाते होंगे, तो इन पर फिर से हम लोग को चीजों को ड्रॉ करना पड़ता होगा, ठीक है। एक कारण आप लोग को ये देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इस बात को समझते हैं कि एक ही जगह पर बार बार पेंटिंग्स क्यों ड्रॉ किया गया। तो जितने यहाँ पर भीमबेटका केव मिलते हैं, उन भीमबेटका केव में कई सारे पेंटिंग्स ऐसे जिस पर सुपर इम्पोजिशन देखने को मिलता है, एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ठीक है। और इस आधार पर हम भीमबेटका केव में प्राप्त सभी गुफाओं सभी रॉक पेंटिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड आपका, ठीक है, एक सेकेंड आप लोग यहाँ पर समझ दीजिएगा, ठीक है, हाँ, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और यहाँ पर आपका चेलोलिथिक पीरियड या फिर ताम्रपाषाण काल जो होता है, इस तीन पार्ट में हम लोग चीजों को डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों पार्टों के बारे में बहुत बेसिक से चीजों को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एक बार इनको भी हम लोग देखते हैं कि इनमें जो चीजों को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग तरीके से, वो क्यों एक्सप्लेन किया गया और किस प्रकार से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहला जो यहाँ पर पीरियड है उसका नाम है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखना भाई, अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो यहाँ पर आप लोगों का है, इस अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो यहाँ पर चीजें मिलती हैं, जनरली वो आपकी हरी और गहरी लाल रेखाओं में बनाया गया था। दो तीन बातें समझना, यहाँ पर जिन कलर का प्रयोग किया गया वो हरा और लाल रेखाएं थी, हरे रेखाओं से, हरे कलर से जिन चीजों को ड्रॉ किया गया, यहाँ पर ग्रीन कलर से चीजों को ड्रॉ किया गया है, वो आपके डांसर्स थे, वो आपके नर्तकी यहाँ पर जो थे, जो डांस कर रहे थे, उनको ग्रीन कलर से ड्रॉ किया गया है। रेड कलर से जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उनको यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो कलर कोडिफिकेशन भी यहाँ पर है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कलर कोडिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बात ये समझना, ठीक है, कि उत्तर पूरा पाषाण काल में हमने क्या किया था, हमने हरा और लाल कलर का यहाँ पर प्रयोग किया था। पहली बात, यहाँ पर जो भी आकृतियां देखने को मिलती है वो 2D आकृतियां, मतलब वो लीनियर फॉर्मेट में, यहाँ पर रेखाओं का प्रयोग किया गया है, तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो दो चीज अभी देखना आपने, आपने अपर पैलियोलिथिक पीरियड के संदर्भ में दो पॉइंट देखा कि यहाँ पर जो पेंटिंग मिलती है, और ये वही पीरियड जब से भारत में पेंटिंग शुरुआत जनरली होती है, ठीक है। इस पेंटिंग में आप देखो यहाँ पर तो ग्रीन और रेड कलर की पेंटिंग्स है, लीनियर फॉर्मेट में पेंटिंग है, जिस यहाँ पर कलर का प्रयोग किया गया उसको वाश पेंटिंग कहते हैं, धवन चित्रकला कहते हैं। इसमें क्या होता है, आज के टाइम पे आप वाटर कलर का नाम सुनते होगे, उस टाइम पे जो वाटर कलर का कॉन्सेप्ट होता था उसी की यहाँ पर बात किया कि वाश पेंटिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपने ये देखा, जानवरों के यहाँ पर जो आकृतियां ड्रॉ की गई उसमें भैंस होंगे, हाथी होंगे, बाघ होंगे, गेंडे होंगे, सुअर होंगे, इनकी आकृतियों को यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब मेसोलिथिक पीरियड देखो आप, जो मध्य पाषाण काल है उस पीरियड को समझने का प्रयास करना, ये दूसरी कालावधि है, ठीक है। मध्य पाषाण युग में चित्रों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर पेंटिंग प्राप्त होती है वो इस पीरियड में प्राप्त होती है, इस बात को समझने का प्रयास करना। इसमें क्या था कि जो थीम्स थे उन थीम्स की संख्या तो बढ़ गई, जैसे मनुष्य, जानवर, डांस, म्यूजिक, इनकी जो थीम्स की संख्या थी वो तो बढ़ गया, लेकिन जो चित्रों का आकार था, जो साइज था, ठीक है, वो छोटा हो गया। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि चित्रों का आकार यहाँ पर पिछली पीरियड के अपेक्षा यहाँ पर छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर थीम्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि शिकारियों को, ठीक है, जो शिकारी थे यहाँ पर, ठीक है, उनको उनके समूहों में दिखाया गया, ठीक है। द हंटिंग सीन, हंटिंग सीन जो है उसको पीपल हंटिंग इन अ ग्रुप यहाँ पर डिजाइन किया गया। आर्म्ड है वो अपने शस्त्रों के साथ, अपने जो कांटेदार भाले होते हैं, जो नोकदार डंडे होते हैं, उनके साथ ये तीर कमान लिए हुए और ये शिकार करते हुए इनको यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ठीक है। मध्य पाषाण काल में इस मेसोलिथिक पीरियड में जो जानवरों को जो ड्रॉ किया गया उनकी सबसे बड़ी मात्रा यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते हुए पेंटिंग ड्रॉ की गई है। इस पीरियड में जानवरों का शिकार की पेंटिंग तो ड्रॉ किया ही किया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पर जो पेंटिंग ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये पेंटिंग आपकी जानवरों के साथ सौहार्द और प्रेम भावनाओं को भी दिखाते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो, देखो लव टू पेंट एनिमल्स इन सम पिक्चर्स, एनिमल्स आर चेजिंग में, कुछ पिक्चरों में क्या था, कुछ चित्र में क्या था कि जो जानवर है वो मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। भाई आप जानवर का शिकार करने जाओगे तो जानवर आपको छोड़ थोड़ी देगा, आपका भी वो शिकार करेगा, तो जानवर मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं। इन अदर्स दे आर बींग चेज्ड एंड हंटेड बाई द मैन, कुछ में मनुष्य उनका शिकार कर रहे हैं। सम ऑफ द एनिमल पेंटिंग्स स्पेशली इन द हंटिंग सीन शो अ फियर ऑफ द एनिमल्स, कई पेंटिंग में जानवरों के मुख भाव को, जो मन भाव होते हैं ना, उनके फियर्स को वहां पर दिखाया गया है। लेकिन ध्यान रखना,
कि ऐसा नहीं कि हर पेंटिंग में सिर्फ शिकार ही दिखाया गया, कुछ पेंटिंग्स में लव को भी यहां पर दिखाया गया, प्रेम को भी जानवरों के लिए ड्रॉ किया गया, उनके सौहार्द भावना को मनुष्यों के जो होते जानवरों के प्रति उसको भी यहां पर ड्रॉ किया गया। जो यहां पर स्त्रियों की पेंटिंग देखने को मिलती है, यहां पर देखो, यहां पर जो स्त्रियों की पेंटिंग देखने को मिलती है वो कपड़ों के साथ और बिना कपड़ों के यहां पर दोनों ड्रॉ किया गया, सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों यहां पर पेंटिंग ड्रॉ की गई है। इस पॉइंट को आप लोग समझने का प्रयास करना, उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे, एक बात देखो सिंपल सी बात समझो, उस टाइम पर लोग जैसे रहते होंगे ना वैसी पेंटिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखो एक घोड़ा है, यहां पर एक, अब घोड़ा नहीं है कौन जानवर है हमको नहीं पता भैया, ठीक है, यहां पर जानवर का नाम नहीं लिखा, लेकिन भीमबेटका केव में एक जो ड्राइंग की गई एक जानवर की वो ड्राइंग इस प्रकार की है, ठीक है। अच्छा इस ड्राइंग में आपको यहां पर देख रहे होगे तो एक घोड़ा है और इस घोड़ा को एक यहां पर से सिंपल तौर पर भागते हुए या फिर जो पीछा करते हुए यहां पर दिखाया जा रहा है। तो भाई घोड़े पर सवार गाना सुनते हो ना, एक पेंटिंग यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखो भाई मतलब भीमबेटका में जो मेसोलिथिक पीरियड है, देखो भीमबेटका में जो आर्ट फॉर्म प्राप्त हुए, जो रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुए, वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड और इसके बाद का पीरियड। में जो मेसोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ी मात्रा में पेंटिंग देखने को मिलता है, सबसे बड़ी थीम यहाँ पर आपको इसी में देखने को मिलती है। इसमें डे टू डे लाइफ का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पर जो कलर देखने को मिलता है, उन कलरों की वैरायटी यहाँ पर बढ़ गई है। पहले मैं कहता हरा और लाल दो कलर थे, यहाँ पर आप देखो तो काला, पीला, लाल, बैगनी, भूरा, हरा, सफेद, इन सब रंगों को देखने को मिलता है। डे टू डे लाइफ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो कलर यूज किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कलर यूज किए गए हैं उन कलरों को बनाया कैसे गया इस बारे में यहाँ पर चीज दी हुई। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द पेंट्स वर मेड बाय द ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड द मिनरल्स, जो पत्थर थे उन पत्थरों को चूर करके पीस करके क्या था कलर यहाँ पर बनाए गए थे, खनिजों को और पत्थरों को चूर करके यहाँ पर कलर ड्रॉ होते थे। आज की तरह आपका कैमल का कलर मार्केट में नहीं आता था, ठीक है, उस टाइम पे काम मेहनत करना पड़ता था पेंटर्स को, ठीक है। देखो पेंटर्स कितनी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी चीजों को ड्रॉ किया है। दे गॉट रेड फ्रॉम द हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन का एक ओर होता है, इसको हम लोग गेरू भी कहते हैं इंडिया में, ठीक है, गेरू कहते हैं, हेमेटाइट एक आयरन का ओर होता है, तो वहां से क्या था ये लाल कलर को ड्रॉ कर रहे थे। द ग्रीन केम फ्रॉम अ ग्रीन वैरायटी ऑफ अ स्टोन कॉल्ड द, इसका जो स्टोन है उसका नाम बड़ा यहाँ पर अजीब था, यहाँ पर आप नाम देखना, कैल्सेडोनी, कैल्सेडोनिक नाम का एक पत्थर है। इस पत्थर से क्या है इन्होंने ग्रीन कलर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। जो व्हाइट कलर है, जो सफेद रंग है, वो चूना पत्थरों से, जो लाइम स्टोन होता है उससे इन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से क्या था कि खनिजों को और चट्टानों को पीस करके ये कलर ड्रॉ कर रहे थे, और सिर्फ कलर ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे थे। देखो द रॉक ऑफ द मिनरल वॉज फर्स्ट ग्राउंड इन टू अ पाउडर, पैसा टेबल पाउडर बनाया जाता था। दिस में दे हैव बीन मिक्स्ड विद द वाटर एंड ऑल्सो विद द सम थिक और स्टकी सब्सटेंस सच एज एनिमल्स फैट और अ गम और अ रिजाइन फ्रॉम द ट्री। मतलब कि ये जब पत्थरों को चूर करके, खनिजों को पीस करके जब उसका पाउडर बना लेते थे, तो पाउडरों में कुछ पानी या फिर कुछ गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे। उस चिपचिपे पदार्थ में आपका जानवरों की चर्बी भी हो सकती थी, ठीक है, या फिर पेड़ों से निकाला गया जो गोंद होता था उसको मिलाकर के क्या करते थे, पेंट के कलर को थोड़ा सा कलर फॉर्मेट में, थोड़ा सा गाढ़े फॉर्मेट में रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। अब ये पूरी बात यहाँ पर हो गया। ब्रश के तौर पर यहाँ पर क्या प्रयोग करते थे, ब्रश वर मेड ऑफ द प्लांट फाइबर, पेड़ों का जो फाइबर होता था उससे ये ब्रशों को बनाते थे और उससे पेंटिंग करते थे, ठीक है। तो पेंटिंग बहुत टफ फर्क था। अब देखो पेंटिंग यहाँ पर तकनीक दी गई है, तो मानो आपसे भीमबेटका केव पर पेंटिंग पे प्रश्न आए, आप उसकी तकनीक पर भी चर्चा करना, थीम पर चर्चा करना, तकनीक पर चर्चा करना कि वहां पर जो कलर बनते थे तो कलर कैसे बनते थे, यहाँ पर जो ब्रश का प्रयोग किया तो ब्रश का प्रयोग कैसे होता था, ठीक है। इन सब बातों में डिटेल में चीजें बताई गई है। यहाँ पर दो तीन पॉइंट और लिखा हुआ है, उस पॉइंट को समझने का प्रयास करना। क्या रहा है आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। आज भी अगर आप भीमबेटका केव में घूमने जाओगे तो आपको आज भी वहां पर पेंटिंग देखने को मिलेगा। ये पेंटिंग उतने लंबे समय तक क्यों रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये माना जाता है, इट इज बिलीव दैट द कलर्स हैव रिमेंड इंटैक्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द रॉक। जो रॉक में ऑक्साइड होता है ना उससे केमिकल रिएक्शन करने के पश्चात ये कलर परमानेंटली यहां पर ड्रॉ हो गए, परमानेंटली रह गए। मतलब रॉक में पाए जाने वाले ऑक्साइड से इन केमिकल्स ने एक रिएक्शन किया जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो कलर यहाँ पर बना वो कलर यहाँ पर हमेशा के लिए अछूत रहा था, ठीक है, रिमेंड इंटैक्ट हमेशा के लिए यहाँ पर ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आज के कलर क्या, अभी बनाओ कल वो गायब हो जाएगा, तो ये पेंटिंग यहाँ पर उतने समय लंबे समय तक रही है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन यहाँ पर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तकनीक है, इस बारे में अपने डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई उनको इतनी तकनीक का आइडिया था कि इस पेंटिंग को लंबे समय तक हम लोग कैसे यहाँ पर रख सकते हैं। अब कुछ बातें और देखो भाई, यहाँ पर जो पेंटिंग मिली है
यहाँ पर जनरली कुछ पेंटिंग ऐसी है जो कि जो आपकी गुफा है उनकी सतहों पर बनाई गई है, ठीक है, दीवारों पर बनाया गया है, और कभी कभी इनको जो छत होती है ना, जो शेल्टर का जो छत होता है, सीलिंग होता है, उस सीलिंग पर ड्रॉ किया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई सीलिंग पर क्यों ड्रॉ किया गया होगा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है तो पहाड़ के सबसे ऊपरी एरिया पर कलर एक ड्रॉइंग बनाया गया, ड्रॉइंग क्यों बनाया गया होगा वहां पर, प्रश्न उठ सकता है। उठने का सिंपल सा कारण यहाँ पर ये है, उसका लॉजिक ये हो सकता है, आप आज क्या देखते हो, आज आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, बहुत बड़े बड़े होल्डर्स लगाए थे, बहुत बड़े वहां पर क्या कहते हैं पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टर क्यों लगाए जाते हैं भाई, पोस्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि दुनिया को उसके बारे में पता चले, लोग देखें। तो यहां पर भी इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर, इतने दुर्गम जगहों पर जहां तक जाना बहुत मुश्किल होता होगा, वहां पर भी इतने बड़े बड़े अगर पेंटिंग बनाएगा तो दो तीन कारण रहे होंगे। पहला कारण क्या, पहली बात ये जो प्लेस रहा होगा इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, कुछ रिलीजियस महत्व रहा होगा, ताकि लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये पेंटिंग यहां पर बनाई गई होगी। बड़े स्तर पर बनाने का मतलब ये कि वहां का उद्देश्य रहा होगा कि लोग दूर दूर तक इस डायग्राम को देख सके, इससे मोटिवेट हो सके, इसकी तरफ आकर्षित हो सके, तो इसलिए कई ऊंचाइयों पर इन आर्ट फॉर्म को यहां पर ड्रॉ किया गया होगा, ठीक है, एक फॉर्मेट यहां पर ये दे रहा है। तो ये बात आप समझने का प्रयास करना। अब यहां पर अगर मानो ऐसे प्रश्न में कभी आपसे निष्कर्ष पूछता है, कुछ कंक्लूजन पूछता है, आप कंक्लूजन यहां पर क्या दोगे, इस बात को भी समझने का प्रयास करना, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मानो अगर प्रश्न पूछी दे कि भाई आप यहां पर कंक्लूजन क्या दोगे, तो आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप दो तीन बातें लिख सकते हो। यहां पर देखो यहां पर बताया जा रहा है कि कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियां, जहां पर जो ड्राइंग करने की जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उसके बावजूद क्या है यहां पर कि जो पेंटिंग ड्रॉ किया गया, ठीक है, जो यहां पर पेंटिंग ड्रॉ किया गया वो पेंटिंग क्या है, उन्होंने पेंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया, इतनी दुष्कर परिस्थितियों के बावजूद आज भी वो पेंटिंग विद्यमान है, ठीक है, और वो प्रकृति के उस टाइम के डेली लाइफ को बहुत आसानी से दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम के जो लोग थे बहुत साहसी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी इतनी दुर्गम जगहों पर जाकर के पेंटिंग को ड्रॉ किया है, अपने समय निकाल करके पेंटिंग को ड्रॉ किया है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और इस पॉइंट का आप लोग कंक्लूजन में प्रयोग कर सकते हो। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम टू पोजेस एन इंटरेस्टिंग पैशन फॉर द स्टोरी टेलिंग, कहानी को बताने के लिए इनके मन में एक अपना एक अलग सा जज्बा था, एक इनका हॉबी था, ये लोग कहानी बता सकते थे, स्टोरी टेलर का काम कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग कहीं भी लिख सकते हो, कंक्लूजन में ऐसे प्रश्न को बता सकते हो कि दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने औजार और सामग्री जब नहीं मिल रहा था, कलर इनके पास नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने रॉक पेंटिंग्स को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर होगा। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ डायग्राम बताया गया भीमबेटका केव का, एक बार देख लेना, कह रहा भीमबेटका केव में आप देखो तो जानवरों का शिकार करते हुए, ठीक है, और ये अपने हाथ में हथियारों को लिए हुए और इसका शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम ये दिखता है, दूसरा ये आपको डांस करते हुए फॉर्मेट दिखता है, और यही डांस फॉर्मेट आपको लखुडियार केव में भी दिख रहा था। तो मैंने जब आप लोगों से लखुडियार डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो किस प्रकार से 2D फॉर्मेट में लोगों को हाथों में हाथ डाल करके डांस करते हुए ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो एक तो फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग का ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो इस पूरे बुक में जो कुछ पॉइंट यहाँ पर और दिया गया है, वो पॉइंट ये कह रहा है कि आज भी जिन चीज़ों को हम लोग ड्रॉ करते हैं वही ड्रॉ वहां पर उस टाइम पर भी होता था, ठीक है। और एक सबसे दिलचस्प बात यहां पर जो मिलती है, जो मैंने आपसे डिस्कस भी कर दिया, कि यहां पर क्या है कि करीब करीब भीमबेटका स्थलों में कई डायग्राम ऐसे जहां पर 20-20 परतें ड्रॉ की गई है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 20-20 परतें बनाया गया है। तो कारण प्रश्न ये उठता है कि भाई 20 परतें क्यों ड्रॉ की जाती होंगी, तो इसका सिंपल सा कारण यहां पर है कि जब किसी कलाकार को अपने जैसे अपने जो ड्राइंग पसंद नहीं आया, मानो उन्होंने कोई ड्राइंग बनाया, ठीक है, कोई आर्टिस्ट था, उसने कोई आर्ट फॉर्म बनाया, रॉक पेंटिंग बनाया, उसको रॉक पेंटिंग पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, उसके ऊपर दोबारा से नई पेंटिंग ड्रॉ कर देगा, ठीक है, एक कारण यहाँ पर हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये स्थान बहुत पवित्र रहे होंगे, बहुत विशिष्ट रहे होंगे, तो इन पर बार बार पेंटिंग ड्रॉ किया जाता रहा होगा, ठीक है। थर्ड कारण यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर बार बार भिन्न भिन्न जो पीढ़ियां आती गई होंगी, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड है, तो उस लंबे पीरियड में बार बार जितनी पीढ़ियां आई होंगी उन पीढ़ियों ने यहाँ पर समय के साथ क्या क्या होगा उस पेंटिंग के ऊपर अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करते गए होंगे, तो एक फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये जितने आपने अभी चीजें पढ़ी, आपने लखुडियार जो कि सुयाल नदी किनारे उत्तराखंड में था, भीमबेटका जो कि आपको मध्य प्रदेश में था, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा, ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, मैं आप लोगों से दो तीन काम कहूंगा। पहला काम, इस चैप्टर की रीडिंग करना, ठीक है, इस चैप्टर की खुद से एक बार रीडिंग करना और देखना कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए गए, ठीक है। जितना आज मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, मेरा उम्मीद है कि हमने थीम पर, कलर पर, टेक्निक पर, सुपर इम्पोजिशन पर चर्चा कर लिया। तो ये आपकी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को पढ़ने का,
अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते भी हो तो आर्ट एंड कल्चर को एक एक स्ट्रक्चर में पढ़ो, ताकि चीजें आपको समझ में आए कि हाँ भाई क्या क्या चीजें। अब मानो कल से आपसे लखुड़ियारे प्रश्न है, कल से जोगी मारा गुफा पर प्रश्न है, आप सेम बात लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर भी वही चीजें हुआ होगा जो यहाँ पर हुआ है। अलग थोड़ी कुछ हो जाएगा भाई, जो चीजें वहां पर रही होंगी वही चीजें यहां पर भी रहेंगी। तो सिंपल ड्रॉ का तकनीक यहां पर आप लोग ऐसे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जिनको भी एनसीईआरटी का पूरा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, करीब 400 से 500 घंटे की पूरी क्लासेस हैं, जिनको ज्वाइन करना है आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया होगा वहां पर संपर्क करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।